तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 217 को। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन और सभी लोग आ चुके थे होलीफील्ड सिटी के अंदर, और फिर एल्केमी बैच लेने के लिए सिलन के ग्रैंडफादर और सावन चले गए थे। लेकिन उस जगह पर सावन और बाकी सभी में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। तो अब आगे प्रीव्यू की शुरुआत में हमें स्पेस में एक दरार ओपन होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वहां से निकलती है एक कैरेज, और उस कैरेज के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से सामान्य लोग उसे देख नहीं पाते। इसके साथ ही वहां पर जितने लोग थे उस कैरेज को देखने के साथ ही हैरान हो गए थे, क्योंकि ये कैरेज बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों के पास ही था। इसके साथ ही वहाँ पर सावन भी होता है, जो की अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिचुअल आई की मदद से भी सावन उसके अंदर देख नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर काफी मात्रा में एनर्जी थी, जिस वजह से सावन को बिल्कुल ये पता चलता आखिर इस कैरेज के अंदर कौन है। और अगले सीन में सावन एक जगह पे आया हुआ था अपने ट्रेजर को एक्सचेंज करने के लिए। इसके साथ ही सावन को कुछ चीजें भी पसंद आती है, बट इससे पहले वो अपने ट्रेजर्स को उठाता है, उससे पहले वहाँ पर एक फैन आता है, जो कि उसे ऐसा करने से रोक देती है। ये देखने के बाद तो सावन की भी आंखें नीड हो गई थी, इसके साथ ही उसी तरफ देखने लग गया था जिस तरफ से वो फैन आई थी। तभी वहाँ पर किसी लड़की की एंट्री होती है, जो की वहाँ पर आते हुए सावन से कहता है की मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन ये ट्रेजर मुझे पसंद आ चुका है, तो क्या तुम मुझे ये दे सकते। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो कहता है कि मैं इसका तुम्हें दोगुना दाम दूंगा। इसके साथ ही साथ वो काफी एरोगेंट भाषा में बातें कर रहा था, जिसके वजह से सावन को गुस्सा आता है। इसके साथ ही वो देखता है कि उसके पीछे कुछ एल्डर्स भी हैं, जो कि ऑफ कोर्स उस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए था, और उन एल्डर की पावर भी काफी अच्छी थी। इसके साथ ही सावन को ये भी पता चल चुका था कि आखिर ये एल्डर्स किस लेवल पर है, बट ये ट्रेजर सावन के लिए खास था, जिस वजह से वो साफ साफ इनकार कर देता है। इसके साथ ही वो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये ट्रेजर तुम्हें नहीं दे सकता। ये कहने के साथ ही सावन ने उसे इग्नोर करके अपने ट्रेजर की ओर बढ़ गया था। दूसरी तरफ वो लड़का काफी स्टाइल से चलते हुए सावन की ओर बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। इसके साथ ही वो अपने खानदान के बारे में बताने लग गया था, लेकिन सावन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर वो किस वंश से है, जिस वजह से वो एक बार फिर से उसके मुंह पे बेइज्जती कर देता है। अब बार बार वो लड़का ना सुनने के बाद तो उससे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो ट्रेजर को लेने के उसकी ओर बढ़ने लगता है। जब ये चीज सावन देखता है कि बार बार इनकार करने के बावजूद वो लड़का भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके साथ ही वो ट्रेजर को लेने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है, तो उसके भी एक्सप्रेशन बदल गए थे। इसके साथ ही वो अपने ट्रेजर को पीछे हटाते हुए उस लड़के की हैंड को पकड़ लिया, जो कि उस ट्रेजर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वो लड़का तो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये ट्रेजर को लेके जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो एक बार फिर से उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन सावन ने फिर से उसे रोक दिया। इसके साथ ही उसे पीछे करने की कोशिश करता है। जब ये चीज वो लड़का देखता है तो वो जल्दी से सावन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो अटैक करता है, उससे पहले सावन ने उसे पीछे धक्का दे दिया। अब इस चीज की वजह तो उस यंग मास्टर को काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो अपने एल्डर से कहता है तुम देख क्या रहो, जल्दी से इस लड़के पे अटैक करो। ये सुनने के साथ ही वो दोनों एल्डर्स भी अपने पोजीशन में आ चुके थे लड़ने के लिए, और इसके साथ ही कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे यंग मास्टर से ऐसी बदतमीजी बात करने की। ये कहने के साथ ही वो दोनों अटैक कर देते हैं सावन पे, लेकिन इससे पहले उनका अटैक सावन को लगता भी उससे पहले वहाँ पर आ चुके थे टियान जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर, और इस जगह पर टियान जुंजे ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट भी नहीं किया था। दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, उसके आने के साथ ही अपनी पावर को रिलीज करती है, और सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर की वजह से वो दोनों एल्डर्स पीछे धकेले गए। इसके साथ ही वो सभी देखते हैं कि स्पेस में दरार आ चुकी है, और इस वजह से वो दोनों एल्डर भी समझ चुके थे कि लिटिल फेरी डॉक्टर काफी पावरफुल है, इसलिए वो लोग इनसे नहीं जीत सकते, जिस वजह से थोड़ा बहुत धमकी देकर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस चीज के बारे में डिटेल से नोवेल में हम जानेंगे, जो की इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और फिर प्रीव्यू के अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सावन अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। इसके साथ ही वो सभी एनर्जी उसके माथे के अंदर जा रही थी, और इसके साथ ही वो सभी एनर्जी काफी कम मात्रा में थी, जिस वजह से वो पिल लग रही थी, और उन्हीं में से एक एनर्जी सावन के आसपास घूमती है। इसके साथ ही वो डायरेक्टली उसके हेड पे जा चुकी थी। ये देखने के बाद तो सावन खुद हैरान हो गया था, और इस वजह से सावन अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सावन कई सारे मिस्टीरियस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर रहा था, ताकि उसकी सोल स्टेट की पावर को बढ़ सके। और अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानना है तो आप मेरे नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कौन सी सीरीज पसंद आती है आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस सीरीज को भी एक्सप्लेन कर सकूं।